पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा टिक टिक करता टाइम बम है। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए आबादी पर अंकुश लगाने की हिदायत। अब पाकिस्तान में भी हम दो हमारे दो की मांग। पूरी दुनिया में जब भी ये किलकारी गूंजती है तो चेहरे खुशियों से झूम उठते हैं, मगर पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जहां ये किलकारी भी खतरे की घंटी की तरह बजती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां मां की कोख से बाहर आने वाला हर बच्चा पैदा होते ही करीब 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हो जाता है। आंकड़े कहते हैं कि पाकिस्तानी आबादी के 21 में से 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी हर 10 में से 4 पाकिस्तानी गरीब है। उस पर सितम ये कि मुल्क पर करीब 30,000 अरब का कर्ज है। तो अब जब भी कोई बच्चा यहां जन्म लेता है तो समझिए वो टिक टिक करता टाइम बम है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जहां तेजी से बढ़ रही जनसंख्या टिक टिक करता टाइम बम है। धार्मिक विद्वानों, नागरिक संगठनों और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही प्रति परिवार 2 बच्चों का नियम भी लागू करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। दरअसल पाकिस्तान में बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चों का नियम लागू किए जाने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने यह फैसला सुनाया। साथ ही तमाम जिम्मेदार नुमाइंदों से इस सिलसिले में देश भर में मुहिम चलाने की अपील भी की। विस्फोटक रूप से बढ़ती जनसंख्या से देश के प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव है। प्रत्येक परिवार में 2 बच्चों की नीति ही भविष्य में जनसंख्या पर नियंत्रण करने में मददगार साबित होगी। हमें एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता आंदोलन चलाने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश एकजुट हो। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने देश के स्वास्थ्य सचिव कैप्टन जाहिद सईद को इसलिए कड़ी फटकार लगाई क्योंकि सईद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग न तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बना सकता है और न ही इन्हें लागू कर सकता है। कोर्ट ने अब संबंधित विभाग को हर 3 महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है, जिसके बाद सचिव ने कोर्ट को बताया कि जनसंख्या वृद्धि दर को काबू करने के लिए एक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत 2025 तक जनसंख्या वृद्धि दर 1.5% तक कम किया जाना है। आपको बता दें कि साल 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 77 लाख से ज्यादा है। इस लिहाज से वो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 33वें पर आता है। पाकिस्तान की बढ़ती आबादी वहां के संसाधनों पर काफी असर डाल रही है, क्योंकि एक तरफ तो मुल्क खाद्य संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुल्क के पास पीने की पानी की भारी किल्लत है। और इन्हीं संकटों को देखते हुए इन दिनों पाकिस्तान में जनसंख्या कंट्रोल पर बहस छिड़ी हुई है।